नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 भारत की खोज का पाठ सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका मैं सारांश पढ़ाने जा रही हूँ, यानी समरी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 8 बसंत और क्लास 8 भारत की खोज के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 8 बसंत और क्लास 8 भारत की खोज का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ, क्लास 8 का भारत की खोज और क्लास 8 का बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, लगभग सारा चैप्टर हो गया है। फुल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और समरी, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देव जनागरी, स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी क्या उनका विचार है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के तहत उन्होंने क्या विचार इसमें दिया है। तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत के अतीत की पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है। भारत आज से ही नहीं है, भारत न जाने कितने हजारों वर्ष से भारत है, तो उसके अतीत की जो पहली तस्वीर है, क्योंकि भारत की जो शुरुआत हुई थी, भारत में जब लोग रहना प्रारंभ किए थे तो किस तरह से रहते थे, कैसे उस समय घर बनाते थे, कैसे उनका हर काम होता था, उनके घर कैसे होते थे, किस तरह वे लोग काम किया करते थे। तो जब जमीन की खुदाई हुई है तो उसमें से बहुत सारे चीज, ऐसे ऐसे चीज मिले हैं जो उससे पता चलता है। तो उसी बात को इसमें दिया गया है कि भारत के अतीत मतलब बीते हुए समय की पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है। इस सभ्यता के अवशेष, मतलब अवशेष बोलते हैं चीज को, इस सभ्यता के, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, आज की सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जा रहा है कि इस सभ्यता के जो चीज मतलब अवशेष जो है वह कहाँ कहाँ मिलते हैं, मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। दो जगह मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों से प्राचीन इतिहास को जानना आसान हो गया है। तो जब वहां पर ये सब चीज मिले हैं तो पुराने जो इतिहास है, हमारे देश के जो पुराने इतिहास है, तो उसमें क्या कब हुआ, यह सब जानकारी खुदाइयों से प्राप्त हो जाता है। लोग जानते हैं कि उस समय के लोग किस तरह से रहा करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के बीच काफी दूरी है। अब आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है कोई नजदीक नहीं है, दोनों काफी दूरी है दोनों का। तो इसमें यही बात कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के बीच जो है काफी दूरी है। इन स्थानों पर खंडहरों की खोज संजोग मात्र है, मतलब संजोग ही है कि इन स्थानों पर जो खंडहर है, खंडहर किसको बोलते हैं, जैसे कोई ऐसा ऐसा इमारत है जो ऐसे पहाड़ सब है, टूटे फूटे हैं, तो उसमें से भी लोग खोजते हैं। तो यह एक संजोग ही है कि लोग इसमें भी खोज रहे हैं कि उस सभ्यता के, उस समय के लोग किस तरह से रहा करते थे। इनके बीच अन्य बहुत से नगर होंगे। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इनके बीच जो खुदाई से जो चीजें सब मिली हैं, तो इनसे यह जानकारी मिलती है कि इनके बीच अन्य बहुत से नगर मतलब शहर होंगे जिनकी खोज नहीं की जा सकी है। यह सभ्यता विशेषता उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी महत्वपूर्ण खोज की जाए। इस सभ्यता के अवशेष मतलब चीज जो है पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के
अम्बाला जिले में भी मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जब खोज की गई उस समय, तो उसमें जो चीजें मिली है वह पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अम्बाले जिले में भी यह सब चीजें मिली है। यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, इसलिए यह सिंधु घाटी की सभ्यता भर नहीं है, यह सिंधु घाटी की सभ्यता भर नहीं है बल्कि यह गंगा की घाटी तक फैली हुई थी। तो यह बहुत कुछ है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो रूप हमें मिलता है उससे पता चलता है कि सभ्यता पूरी तरह से विकसित थी। यहाँ पर नेहरू जी इस बात को कह रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो खुदाई के बाद जो रूप पता चला है, तो इससे पता चलता है कि वह सभ्यता जो थी वह पूरी तरह से विकसित थी, मतलब डेवलप थी। ऐसा नहीं है कि अनडेवलप था, उसमें कुछ उस समय की सभ्यता जो थी उसमें बहुत ऐसे भी चीज है जो ऐसा लगे कि मतलब इसमें ऐसा लगता है कि बहुत विकसित सभ्यता थी, बहुत अच्छे अच्छे चीज सब भी वहां मिले हैं, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है। उसे इस तरह विकसित होने में हजारों वर्ष लगे होंगे। कोई भी चीज जब होता है वह तुरंत ही नहीं बन के तैयार हो जाता है, उसमें समय लगते हैं। तो यह सभ्यता का जो विकास हुआ है, इतने विकसित रूप में जो यह सभ्यता मिली है, तो इसको बनने में हजारों वर्ष लगे होंगे। धार्मिक, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अभी हमारा भारत देश है, इस तरह से हमारा भारत देश अभी है जो हर तरह से मतलब हर सभ्यता परिपूर्ण है, सभ्यता में कोई चीज की कमी नहीं है। आज तरह तरह के टेक्नोलॉजी आ गए हैं, जहां देखिए वहां पर आपको हर सुविधा मिलेगी, हर जगह बैंक बन गए हैं, हर जगह हॉस्पिटल खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, और हर एक तौर तरीका में सब कुछ सजा हुआ है। तो इसको बनने में काफी समय लगा है अभी तक पहुंचने में। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता इतना विकसित रूप में मिला है, वह तुरंत ही विकसित तो नहीं हो गया है, उसको विकसित होने में, डेवलप होने में हजारों वर्ष लगे होंगे। धार्मिक तत्व होने के बाद भी यह सभ्यता धार्मिक निरपेक्ष बनी रही। मतलब क्या हुआ, हमारी जो सभ्यता है वह धार्मिक तत्व उस समय भी थे, धार्मिक विचारधारा, तो इसीलिए हमारी यह सभ्यता जो है धर्म निरपेक्ष बनी रही। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म को लेकर चलना, सारे धर्म को मानकर चलती रही है इस सभ्यता का, यही जो है खासियत है। यही सभ्यता बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत बनी थी। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से संबंध स्थापित कर व्यापार किया। तो यह जो सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वह किन किन लोगों से संबंध स्थापित किया? फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से संबंध स्थापित कर लिया। इस बेहतर सभ्यता में व्यापारी वर्ग और दुकानें हुआ करती थी। तो इस बेहतर सभ्यता में जो व्यापारी होते हैं, एक देश से दूसरे देश व्यापार करने जाते थे और तरह तरह की दुकानें हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान के बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और अभी जो वर्तमान सभ्यता है उसके बीच ऐसा नहीं है कि तुरंत ही सब कुछ बन गया है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तब जाकर ऐसा रूप अभी देखने को मिलता है। हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो अभी भारत देश है, इस रूप में जो अभी हम लोग देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे पहले परिवर्तन होते होते अभी इस तरह डेवलप हुआ है। इसमें भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो भारत को 6-7 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता से जोड़े रखता है। तो इसमें यह कह रहे हैं नेहरू जी कि इसमें भीतर ही भीतर निरंतरता की श्रृंखला, मतलब चेन के जैसे वह बनती आ रही है, और जो भारत को 6-7 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता, जो हमारी पहले की सभ्यता थी, उससे अभी तक जोड़े हुए है। मोहनजोदड़ो, अब एक बात आप जान सकते हैं, चेन किसको कहते हैं? चेन होता है जो एक दूसरे से लिंक होता है, जुड़ा होता है। आप कोई भी एक चेन देखेंगे, मान लीजिए कि आप एक साइकिल है आपके पास, तो साइकिल को हिफाजत रखने के लिए एक चेन हम लोग खरीदते हैं, तो उस चेन में आप देखें, जिसको आप सिक्कर भी बोल सकते हैं, तो उससे लोग क्या करता है, साइकिल को लॉक लगा देता है। तो उस चेन में देखेंगे कि एक दूसरे से एक एक चेन दूसरे से जुटा हुआ होता है। तो यहाँ पर इसीलिए
इसमें नेहरू जी कह रहे हैं कि भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो भारत को 6-7 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता से जोड़े रखता है। मतलब पहले से एक एक चेन जुटते गया है, मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी सभ्यता आए गए और अभी वर्तमान रूप में हमारा देश इस तरह है। मोहन जोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति हमें तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, दस्तकारी तथा पोशाकों के फैशन की जानकारी प्रदान करती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति हमें क्या प्रदान करती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में किस तरह का उस समय रहन सहन था, कैसा रीति रिवाज था, रहन सहन मतलब उस तरह उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसा सोच था उस समय लोगों का, रीति रिवाज जो अभी एक रीति रिवाज है हम लोगों का आपस में मेलजोल से रहना, अगर कोई पर्व त्योहार होता है तो हम लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। दस्तकारी मतलब जो कोई भी कपड़ा होता है उस पर जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कशीदा करते हैं तथा पोशाकों के फैशन की जानकारी प्रदान होता है, प्रदान करती है। वर्तमान के भारत को इस सभ्यता से जोड़ा जाए तो पता चलता है कि भारत अपना शैशक रूप छोड़कर सयाने रूप में विकसित है। अब यहाँ पर नेहरू जी यह कह रहे हैं कि अभी जो हमारा वर्तमान भारत है और अभी जो वर्तमान भारत की जो सभ्यता है, तो सभ्यता से जोड़ा जाए तो पता चलेगा कि हमारा भारत शैशक मतलब बच्चा रूप नहीं है, अभी वह अब सयाने हो गए हैं। मतलब अब सयाना जब हो जाता है तो आदमी के अंदर क्या हो जाता है, जब कोई बच्चे बच्चे रहते हैं तो उसके अंदर पूरा बुद्धि नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, तो उसके अंदर पूरा समाज को किस तरह रखना चाहिए, अपने परिवार के साथ किस तरह रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ना, हर ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं नेहरू जी कि वर्तमान सभ्यता जो है हमारी, अब हमारा भारत जो है अब शैशक रूप बच्चा रूप नहीं है, अब सयाना हो गया है, उसे जीवन के तौर तरीकों का ज्ञान है, माने जीवन में किस तरह से रहना चाहिए, एक दूसरे से किस तरह बातचीत करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, हर तौर तरीका का उसको ज्ञान है। उसने कला तथा जीवन की सुख सुविधाओं में प्रगति कर ली है। अभी हमारा वर्तमान भारत क्या है, कला के क्षेत्र में बहुत आगे है और देख सकते हैं अभी कि हमारे देश में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसकी कमी हो, टेक्नोलॉजी हो उसे लेकर के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जो भी होना चाहिए सुख सुविधा का ही सामान के लिए, देखिए जैसे कि टीवी मोबाइल फोन लैपटॉप कंप्यूटर मतलब कोई भी चीज की कमी नहीं है। और यातायात के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेन की सुविधा है, हवाई जहाज की सुविधा है, तो इस तरह हर क्षेत्र में आगे हमारा भारत बढ़ चुका है। उसने आधुनिक सभ्यता के उपयोग चिन्हों स्नानागार और नालियों का विकास कर लिया है। अब आधुनिक सभ्यता में क्या होता है, स्नान करने के लिए बाथ टब होना चाहिए, नालियां अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे तरह से पानी पास करने के लिए नाली जो होता है एक अंडरग्राउंड नाली होता है जिससे अंदर ही अंदर पानी चला जाता है बाहर, तो इस तरह हर चीज में विकास कर लिया है जिसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी दिखाई पड़ती है। तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस तरह से हुआ करता था और अभी भी यह चलते आ रहा है, अभी जो है पूरे तरह से विकास कर चुका है। तो इसमें यही दिखाया गया है बच्चों, तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत आपको सारा जानकारी हो ही गया है कि किस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है और अभी के वर्तमान सभ्यता जो है हमारा किस तरह से विकास कर गया है इसके बारे में इसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो आशा है बच्चों आप लोग सब समझ गए होंगे और आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों, धन्यवाद।